हेलो स्टूडेंट वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस एंड माय नेम इज़ सौरभ महाजन वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द गेट एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एंड द पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम ओके एज आई टोल्ड यू कि ये सब्जेक्ट हमारे पास वन ऑफ द क्रिटिकल सब्जेक्ट है इन द गेट एग्ज़ाम ओके गेट एग्जाम में हमारे पास एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है और आज उसी गेट एग्ज़ाम के बेस पे हम एक टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं जैसे टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पास सोलर सेल सोलर सेल सोलर सेल अगर आपने गेट के रीसेंट एग्जाम में देखा है तो ट्रेंड देखा है तो सोलर सेल जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपने गेट का रीसेंट एग्ज़ाम का ट्रेंड देखा है तो सोलर सेल जो है वन ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक है एज पर द गेट एग्ज़ाम ओके जो ट्रेंड जो चल रहा है रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पे सोलर सेल जो है वो क्रिटिकल टॉपिक है इसमें हर अल्टरनेटिव ईयर पर हर एक दो साल में एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स जो है पेपर में आ रहा है ओके लास्ट ईयर भी आया था उससे पहले भी आया था ओके okay, तो कंटिन्यूली वो हर बार इस पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं तो अभी हम सोलर सेल के बारे में डिस्कस करते हैं आज तो सोलर सेल जो है ये एक पी एन जंक्शन डायड ही होता है इट इज़ अ पी एन जंक्शन डायड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में रहना चाहिए जी हमारे पास क्या है पी एन जंक्शन डायोड ही है ओके ये हमारे पास क्या है पी एन जंक्शन डायोड ही है. Okay. है? होता है इसमें भी हमारे पास एक साइड पर पी साइड होगा दूसरी साइड पर हमारे पास क्या होगा एंड साइड रहेगा ओके okay. <coughs> अब देखेंगे हम कैसे वर्क ये ओके okay. सो so, ये जो है वर्क करता है बेस्ड ऑन द फोटो फोटो वोलाटाइक फोटो प्रिंसिपल

लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या बताता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अभी एक और प्रिंसिपल ऐसा ही होता है जो फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल होता है देर आर टू टाइप ऑफ प्रिंसिपल दैट इज़ अ बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन इज़ अ फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज़ फोटो वोलोटाक प्रिंसिपल फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पर बेस पर फोटो डाइट वर्क करता है कौन वर्क करता है फोटो डाइट देखिए दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है डिफरेंस जो है वो मेन डिफरेंस जो है जब फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल में वर्क किया जाता है तो हम डायोड को फॉरवर्ड डायोड को हम रिवर्स बायस में करते हैं ओके जो पीएन जंक्शन डायोड होता है फोटो कन्डक्टिव प्रिंसिपल में डायड को हम क्या रहते हैं रिवर्स बायस रखते हैं ओके डायड इज़ रिवर्स बायस और उस केस में जो फ्रीकवेंसी रिस्पॉन्स होता है जो रिस्पॉन्स होता है डायड का वो काफ़ी बढ़िया रहता है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है फ्रीकुन्सी रिस्पॉन्स ऑफ द डायट ओके सो जनरली जैसे कि अवलांच फोटो डाइड है उसका अवलांच फोटो डाइट के अंदर हमारे पास जो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होने की वजह से उसको हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर यूज़ कर सकते हैं ओके okay, सो so, उसको अवलान फोटो डाइट को आप सभी को मालूम होगा कि वो हमारे पास फोटो कनेक्टिव प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है और उसको हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर मीन्स कि ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पर भी यूज़ कर, किया जा सकता है उसको और उसको हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल रिसीवर की तरफ ऑप्टिकल रिसीवर में ओके सो बट जो फोटो वोलाटेक प्रिंसिपल है ओके okay. uh, प्रिंसिपल का बेसिक मीनिंग तो यहाँ पर भी यही है कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इन द फोटो वोलाटेक प्रिंसिपल फ्रॉम द आउटसाइड ओके एक्सटर्नली एक्सटर्नली वी डू नॉट अप्लाई एनी बायसिंग टू द डायट ओके एक्सटर्नली हम पीएन जंक्शन डायट को कोई भी बायसिंग नहीं देते हैं ओके सो पीएन जंक्शन डायट जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीटली हमारे पास किस पे बेस होता है लाइट एनर्जी पे ओके कंप्लीटली लाइट एनर्जी हम एक्सटर्नली कोई भी बाइसिंग नहीं देते बिकॉज सोलर सेल जैसे सोलर सेल है अभी सोलर सेल का काम क्या है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल मीन्स की सन लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ओके okay, सो so, अगर आप उसको कुछ वोल्टेज देंगे ऑलरेडी अगर उसको पहले ही से वोल्टेज दिया जाएगा तो मीन्स कि पहले से हमें कोई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगा सोलर सेल को वर्क करने के लिए तो दैज़ उसका पर्पस जो है वो सोल्व नहीं हो पाएगा ओके okay? हमें सोलर सेल को ऐसी ऐसी जगह पर यूज़ करना है यहाँ पर हम अपना आ, जो है इलेक्ट्रिसिटी uh, जो है दूसरे दूसरे मेथड से नहीं पहुँचा पा रहे ओके तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पर हम सोल सल, सोलर सेल सोलर सेल यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमें एक्सटर्नली कोई भी बाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है फोटो प्रिंसिपल में ओके फ़ोटो प्रिंसिपल में हमें एक्सटर्नली बाइसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं ओके लेट मी स्टार्ट विद दिस ओके लेट मी स्टार्ट विद दिस ओके तो यू विल गेट हाउ इट वर्क ओके आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है ओके, okay. सो so ये हमारे पास क्या है पी साइट एंड दिस इज एन साइट एंड देर इज अ जंक्शन एंड देर इज डिप्लीशन विथ ओके इन द डिप्लीशन विर्थ इन पी साइट देर आर द डिप्लीशन विर्थ इन एन साइट देर आर डोनर देर आर डोनर जो डिप्लीशन विथ जो होगा पी साइड में हमारे पास वहाँ पर सेप्टर आइन होता है और डिप्लीशन एंड साइड में वहां पर हमारे पास क्या होते हैं डोनर आयन रहते हैं और इसको हम एक्सटर्नली लोड के साथ सीधा ही कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नली सीधा ही हम किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ दो लेट मी कंसीडर दिस इज आर एल विच इज अ लोड ओके एक्सटर्नली मैंने सीधा इसको कैसे कनेक्ट कर दिया लोड के साथ नाउ यू नो देर इज अ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज ए एंड बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर कहाँ पर है बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन रीजन के अंदर देर इज एन बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन डप्लीशन रीजन के अंदर यहाँ पर एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सभी को मालूम है वो एंड साइड से पी साइड की तरफ जाता है हमें डोनर आइन से अ आइन की तरफ ओके okay, हमारे पास इसका डायरेक्शन होता है ओके सो नाओ ना लेट मी टेक दोर्स हेयर सोर्स इज़ वाट हेड सोर्स इज सन ओके सोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पर सन है ओके okay. तो सन है तो सन लाइट जब इस सोलर सेल के सरफेस पे पड़ेगा यहाँ पर ओके okay. जब सन लाइट हमारे पास सोलर सेल के सरफेस पे पड़ेगा तो सोलर सेल का सरफेस जो है वो हीट अप हो जाएगा ओके सोलर सेल का सरफेस जो है वो हीट अप हो जाएगा और इन द केस यू कैन से दैट अगर जो लाइट एनर्जी आ रहा है उसका उसका लाइट एनर्जी जो होगी ओके okay, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लैंक कॉन्स्टेंट इन टू द फ्रिक्वेंसी ओके इन टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ सेमी कनेक्टेड होगा देन वाट विल हैपन देन वाट विल हैपन हमारे पास एनर्जी गैप्स कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वैलेंस बैंड में उसको इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा कि वो हमारे पास वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड जाके वहाँ पर फ्री हो जाएगा एंड एवरी वन नोज दैट कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से जाता है कंडक्शन बैंड की तरफ तो जो उसकी वैकेंसी होता है जो डेफिशिएंसी होता है इलेक्ट्रॉन का इन द वैलेंस बैंड वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए होल ओके तो मीन्स इस पूरे प्रोसेस में जब भी एक वरन बॉन्ड टूटेगा मीन्स की मीन्स की एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा तब एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा एक होल जनरेट होगा मीन्स की टू चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे ओके वेनवर वेनवर एक कोवरन बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा ओके okay, तो हमारे पास वाट विल हैपन अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर सनलाइट पड़ा सरफेस ऑफ द पी एन जंक्शन सरफेस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड सरफ़ेस ऑफ तो पीन जंक्शन डायट जो है वो हीटअप हो जाएगा जब वो हीटअप हो जाएगा तो उसके पास एक अनर्जी आ जाएगी उसके सरफ़ेस के ऊपर एक अनर्जी क्रिएट हो जाएगी ओके थर्मल अनर्जी क्रिएट हो जाएगी तो वो थर्मल एनर्जी की वजह से ओके थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पर यहाँ पर किसके अंदर डिप्रेशन रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे लाइक दिस लाइक दिस इलेक्ट्रॉन होलपेयर जनरेट होंगे लाइक like दिस तो <coughs> ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन होलपेयर जनरेट कर दिए शो कर दिए यहाँ पर ओके okay. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होलपेयर जनरेट होंगे यहाँ पर ओके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होलपेयर जनरेट होंगे नाउ यू नो वेरी वेल कि दर इज दर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डिप्लीशन रीजन ओके देर इज ए बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील इनसाइड दिस डिप्लेशन रीजन ड्यू टू दैट ड्यू टू दैट बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो हमारे पास मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द डिप्लेशन रीजन ओके फ्रॉम द डिप्लेशन रीजन एंड यू नो वेरी वेल जिस डायरेक्शन में हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में होल भी मूव करेगा मींस कि यहाँ से होल मूव करेगा ओके ये यहाँ से होल मूव करेगा ओके लाइक दिस और जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ये तो यहाँ से इस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ओके मीन्स होल्स जो है वो एन से पी की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कहाँ जा रहे हैं पी से एन की तरफ जा रहे हैं देन ओवरऑल जो हमारे पास फोटोन करंट होगा ये करंट जो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं फोटोन करंट बोल सकते हैं और क्योंकि ये हमारे पास फोटोन एनर्जी ऑफ द लाइट से जनरेट हो रहा है जैसा सोलर सेल करंट बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं सोलर सेल करंट बोल सकते हैं ओके तो ये करंट जो है इसकी वजह से जो यू you नो know, जिस डायरेक्शन में होल्स होंगे और जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा करंट होगा तो हमारे पास होल पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे पास एन टू पी जा रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज है वो पी से एन जा रहा है तो ओवरऑल करंट जो होगा वो क्या होगा एन टू पी होगा तो यहाँ से जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ओके इन चार्ज कैरियर की मूवमेंट से इसको मैं अभी के लिए इसका नाम रख देता हूँ लोड करंट ओके क्योंकि ये लोड की तरफ जाएगा यहाँ से ओके okay. यहाँ से जो है करंट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस ओके तो वो लोड को जाके जो लोड को जाके करंट जब मिलेगा तो लोड के क्रॉस एक वोल्टेज वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी ओके डिवेल्प हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज इसको मैं वो, लोड वोल्टेज बोल देता हूँ और इसको जहाँ तो हम लोड वोल्टेज या तो टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं जैसे वी आर इज द लोड वोल्टेज और द टर्मिनल वोल्टेज तो यहाँ से हमारे पास करंट जो है वापिस पी एन जंक्शन राइड में एंटर कर जाएगा ओके okay, यहाँ से जो करंट है वो हमारे पास जो है वो वापिस पी एन जंक्शन राइड में एंटर कर जाएगा ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस वजह से जो सोलर सेल ने इस लोड को एक एनर्जी प्रोवाइड किया एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया ओके वेरी इजी प्रोसेस है ओके इसमें कुछ है ही नहीं है हमारे पास ओके ओ, हमारे पास लोड ने यहाँ पर ये लोड करंट के थ्रू लोड को हमने एक एनर्जी प्रोवाइड किया है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया है सो इस वे से हमने क्या किया है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सॉरी एक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है ओके okay, इस वे से हमारे पास आ, हमने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है ओके फॉर द सेक ऑफ द पर्पज ओके देखिए ये टॉपिक जो है वो इन बिटवीन का है ओके okay, बट uh, मैं सभी से ये होप करता हूँ तो सभी को पता होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करते हैं ओके बेसिक कंसेप्ट आई थिंक आपको मालूम होंगे ओके सो सोलर सेल जो है वो हम सेमी फिजिक्स पढ़ने के बाद ही डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिए अगर जो ये एच एफ जो है वो फोटोन एनर्जी होता है ओके ये हमारे पास क्या होता है फ़ोटोन एनर्जी होता है जो कि लाइट के एनर्जी लाइट के एनर्जी पार्टिकल होते हैं ओके अगर वो एनर्जी गैप से ज़्यादा होगा उस सेमी कनकर जिस सेमी के पीस पे हम इसको डाल रहे हैं तब तो हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस बैंड में उनको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे इससे क्या होगा कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या होगा एक होल जनरेट होगा ओके okay. सो so, ये जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है ये जो टर्मिनल वोल्टेज जो हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है वो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास वो हमारे पास जो है वो हमेशा इस अंदर के डिफ्यूजन पोटेंशियल से क्या होगा कम होगा यू नो वेरी वेल कि यहां पर हमारे पास वी uh, नोट uh, का वैल्यू वी नोट इज वट वी नोट इज डिफ्यूजन पोटेंशियल कॉन्टेक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल ओके और बिल्ट इन पोटेंशियल ओके सो इट इज ऑलवेज दिस दिस लोड जो टर्मिनल वोल्टेज है वी जो है उसको हम जाते हो हम क्या बोलते हैं वी कैन बी रिटर्न एज ए लोड और टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ओके ये टर्मिनल वोल्टेज और सोलर सेल को बोला जा सकता है इसको ओके okay, लोड और टर्मिनल वोल्टेज ओके तो हमारे पास आ, यहां पर जो लोड और टर्मिनल वोल्टेज होगा जो यहां पर जनरेट होगा वो हमेशा यहां वाले बिल्ट इन पोटेंशियल में जो डायोड के डिप्लेशन रीजन में एक बिल्ट इन पोटेंशियल है हमारे पास ड्यू टू द एकोमेशन ऑफ द पॉजिटिव आइंस इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द एन साइड एंड द नेगेटिव आइन इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द पी साइड ओके उस वोल्टेज उस, उस से हमेशा ये लोड वोल्टेज जो होगा वो कम होगा ओके okay. ओके okay. वो हमेशा कम होगा ओके बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज जहाँ पर ऑलरेडी वोल्टेज है वी कैनोट वी कैनोट अप्लाई दैट वोल्टेज टू दिस लोड ओके ओके बिकॉज देर इज अ सम ड्रॉप इन बिटवीन ऑल्सो ओके यहाँ से यहाँ से जहाँ आते टाइम कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा ड्रॉप भी होगा ओके okay, और ये जो फोटो करंट है यहाँ पर आया है फोटो करंट और द लोड करंट फोटो करंट और द लोड करंट ये किस किस मैकेनिज्म से फ्लो कर रहे हैं ये किस मैकेनिज्म से फ्लो कर रहे हैं इट इज फ्लोइंग ड्यू टू द ड्रिफ्ट मैकेनिज्म बिकॉज ड्रिफ्ट मैकेनिज्म क्यों है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ड्रिफ्ट मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म ऑफ़ द करंट इन विच द करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो यहां से जो करंट फ्लो हुआ है जो चार्ज करियर मूव करना स्टार्ट किए हैं वो हमारे पास कौन से मैकेनिज्म से मूव करना स्टार्ट किए हैं ड्यू टू दू टू द ड्रिफ्ट मैकेजम बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्ट इन जो हमारे पास डिप्लेशन uh, रीजन की तरफ जो डिप्लेशन रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इनको क्या करा रहा है एनर्जी दे रहा है मूवमेंट के लिए ओके जो ही जो हमारे पास बिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने इस कलर से शो कर रखा है ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है इन साइड रीजन ओके वो ही उनको हमारे पास एनर्जी दे रहा है फॉर द मूवमेंट ओके सो लेट मी गो टू पेज सो आई विट सम पॉइंट शेयर आई सम समाइंट शेयर द फर्स्ट पॉइंट इज फोटो करंट ज ए ड्रिफ्ट करंट फोटोकर होता है वह हमारे पास क्या होता है ड्रिफ्ट करंट रहता है ओके फोटोकर होता है वो हमारे पास क्या होता है ड्रिफ्ट करंट होता है ओके द नेक्स्ट पॉइंट द टर्मिनल द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल is always is always less than the the terminal voltage of the solar cell is always less than the less than its less than its diffusion or contact potential. कंटैक्ट वोल्टेज और पोटेंशियल जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं ओके सो दिस इज़ द केस ओके जी आपको याद रखना है ओके सो जनरली अगर सोलर सेल हम सिलिकन का बनाएंगे सोलर सेल फैब्रिकेटेड विद द सिलिकन ओके जो सोलर सेल जो है जो हमारे पास जो फैब्रिकेट से होगा सिलिकन से तो उसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होता है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है सोलर सेल का ओके okay, एक सोलर सेल का बात कर रहे हैं हम is ranges from 0.1 volt वोल्ट टू volt. Okay. वोल्ट ओके जो टर्नर वोल्टेज होगा सोलर सेल का अगर वो सिलिकन से बना होगा वो हमारे पास क्या होगा रेंजेस फ्रॉम वन ज़ीरो पॉइंट वन वोल्ट टू ज़ीरो पॉइंट फाइव वोल्ट ओके यू कैन सी हाउ स्मॉल वोल्टेज ए सोलर सेल प्रोड्यूस ओके एक सोलर सेल जो है वो बहुत ही स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं मैक्सिमम जो हो सकता है पॉइंट हो सकता है अगर सोलर सेल अलिकम से बना होगा तो मैक्सिमम जो होगा वो किससे क्या हो सकता है पॉइंट फाइव हो सकता है देन व्हाट विल यू डू वी विल कनेक्टेड मैनी ऑफ द सोलर सेल इन द इन द सीरीज एंड द पैलर कॉम्बिनेशन टू गेट ए लार्ज वोल्टेज ओके अगर सोलर सेल पैनल देखा होगा तो वहाँ पर हमारे पास उस पैनल पर सोलर सेल्स जो होते हैं ओके मैनी सोलर सेल्स को हम सीरीज एज वेल एज पैलर कनेक्शन के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं सो दैट सो दैट वो पैनल जो है एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स की इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकें ओके okay? और सोलर सेल जो है उसके साथ जो देखिए हमारे पास सोलर सेल ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल अनर्जी ओके वो इलेक्ट्रिकल अनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहा है बट इट कैन नाट स्टोर इट ओके इसको स्टोर नहीं कर सकते हम ओके सोलर सेल जो है वो अनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल अनर्जी है उसको स्टोर नहीं कर पाएगा ओके okay? सो so, हम सेपरेटली बैटरीज को कनेक्ट करते हैं सोलर सेल के साथ ओके okay? सेपरेटली हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं सोलर सेल के साथ ओके लाइक निकल कार्डियम निकल कार्डिम बैटरीज उसके ओके okay? उसको कनेक्ट करते हैं सो so दैट वो एनर्जी को सोलर सेल के एनर्जी को जो है स्टोर कर सके और लॉन्ग टाइम के लिए अब सप्लाई कर सके ओके सोलर सोलर सेल इट्स सेल्फ नॉट स्टोर इट्स एनर्जी ओके सोलर सेल इट्स सेल्फ कैन नॉट स्टोर इट्स एनर्जी इट कैन ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके सोलर सेल कैनोट इट्स सेल्फ स्टोर इट्स इलेक्ट्रिकल अनर्जी बट इट ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल अनर्जी ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल अनर्जी को प्रोड्यूस करता है स्टोर नहीं करता है ओके तो स्टोर करने के लिए हम सेपरेटली सोलर सेल के साथ क्या करते हैं बैटरीज कनेक्ट करते हैं जनरली हम निकल कार्ड में बैटरीज को यूज़ किया जाता है सोलर सेल के साथ ओके okay. तो so, ये केस था हमारे पास ये कुछ ये कुछ हमारे पास थ्यूरी पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं ओके okay. और यस वी कैन द टर्नल वोल्टेज ऑफ द सोलर कैन कैन बी मेजर विद भी, कैन बी मेजर बाय द वोल्ट मीटर ओके टर्नल वोल्टेज जो है हम किसी सोलर सेल का वो हम हम किससे मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे पास इसका जो वोल्टेज है वो हम सीधा लोड से ही ओके ये वोल्टेज जो हम सीधा ही लोड से ही लोड लोड से ही मेजर कर लेंगे ओके तो इसको हम वोल्ट मीटर के विद हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर इसको हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं विद विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर वी कैन मेजर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल यस यू नो वेरी वेल वी कैन नॉट मेजर द डिफ्यूजन और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ओके और बैरियर पोटेंशियल और द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ द पी एन जंक्शन दैट विद द वोल्ट मीटर ओके बिकॉज दैट इज ड्यू टू द इंटरनल फिनोमिना ओके उसको नहीं हम मेजर कर सकते विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर ओके सो नाउ नाउ देस गो विद द आई वी करेक्टर सिक्स ऑफ द सोलर सेल ओके जो आई वी करेक्टर सिक्स होगा उसकी बात करते हैं बिफोर गोइंग टू आई वी करैक्टर ऑफ द सोलर सेल सो नाउ लेसन वेरी गुड वेरी केयरफुली लेसन वेरी केयरफुली ड्यू टू दिस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर ओके यू नो इन द केस ऑफ द लोड इन द केस ऑफ द प्योर रेजिस्टिव लोड यहाँ से करंट एंटर करेगा वहाँ पर पॉजिटिव होगा ओके okay. क्योंकि लोड जो है वो पावर को क्या करेगा ऑब्जॉर्ब ही करेगा जो लोड है वो पावर को हमारे पास क्या करेगा ऑब्जॉर्ब ही करेगा जो लोड है वो हमारे पास पावर को ऑब्जॉर्ब ही करेगा तो जहाँ से करंट एंटर होगा वहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहाँ से लीव करेगा वहाँ पर हमें क्या करना करना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे टू स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट द पावर ऑब्जॉर्बशन ओके सो ड्यू टू दिस डिवल्प्ड terminal voltage across the load you can see here p side start getting positive voltage and n side start getting negative voltage okay listen very carefully again due to this devolved terminal voltage across the load okay we are not applying this from the outside ओके वी आर नॉट अप्लाइंग दिस लोड वोल्टेज फ्रॉम द आउटसाइड ओके इट इज नॉट एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज बट येस इट इज इट इज प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द ड्यू टू दैन सोलर करंट फ्लो थ्रू द लोड ओके जब सोलर करंट जो है वो लोड के थ्रू प्रोड्यूस फ्लो करेगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज जो है वो इंट्रोड्यूस होगा ओके okay, लोड के क्रॉस तो वो, वो वोल्टेज एज पर द पावर आब्जॉर्प्शन पावर ऑब्जॉर्ब्शन स्टैंडर्ड हमारे पास यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा ड्यू टू दैट पी साइड स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव वोल्टेज एंड एंड साइड स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव वोल्टेज दिस विल मेक दिस विल मेक डायर्ड इन फॉरवर्ड बायस ओके दैट दैट फॉरवर्ड बायस इज नॉट विद अ लार्ज वोल्टेज बट यस दिस 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 मेक द डायर इन द फॉरवर्ड बायस ओके ओके ये हमारे पास डायर्ड को किसमें बना रहा है फॉरवर्ड बायस में बना रहा है तो मीन्स अब जब डार्ट को फॉरवर्ड बायस में बना दिया है यहाँ पर ओके तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ़ फॉरवर्ड करंट भी फ्लो करेगा करेगा स्मॉल अमाउंट होगा ओके स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट जो है वो भी फ्लो करेगा फर, करेगा हमारे पास और जब हमारे पास ड्यू टू दिस फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल ओके हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो होगा फॉरवर्ड करंट भी यहाँ पर फ्लो करेगा जिसको हम आई डी से शो करेंगे एंड यू नो वेरी वेल दैट

दिस फोटो करंट के कंपैरिजन में ये करंट जो है वो बहुत स्मॉल होगा ओके सो बट ये जो टोटल करंट जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस होगा जो टोटल करंट होगा वो इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस होगा ओके सो लेट मी लाइट दिस फर्स्ट लेट मी लाइट दिस फर्स्ट ओके वेन ए पोटेंशियल is is introduced across the load across the load, then solar cell get forward bias get forward bias.

इफ वी प्लॉट द आई वी करेक्टर सिक्स ऑफ द सोलर सेल अगर हम यहाँ पर आई वी करेक्टरसिक्स प्लॉट करेंगे सोलर सेल के ओके लेट मी गो विद्रेश वी प्लॉट द आई वी करेक्टर सोलर सेल तो आई नीड टू शो टू करंट शेयर ओके टू करंटर दिस इज आई दिस इज अके हमारे पास वाई एक्सिस में हमारे पास आई है और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है वी है वोल्टेज है ओके सो यू नो जो डायोड का करंट होगा आई डी जो डायोड का करंट होगा आई डी ओके दैट इज़ लाइक दिस ऐसे होता है एक्सपोनेंशियली वेरिएबल होता है और ये होता है डायोड का जो करेक्टर सिक्स होता है नॉर्मल पी जंक्शन डायोड का जो करैक्टर सिक्स होता है ओके okay, और जो फॉरवर्ड वायर्स में हो चुका है उसकी वजह से ये करंट होगा जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं आई डी दिस इज आई डी ओके ये हमारे पास क्या है आई डी है ओके नाउ इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ़ फोटोन करंट ओके इन द केस ऑफ़ फोटोन करंट जो फोटोन करंट की वजह से होगा यहाँ पर ओके okay, जो हमारे पास सोलर सेल की वजह से जो सोलर एनर्जी के वजह से जो करंट होगा दैट विल लुक लाइक दिस ओके दैट विल लुक लाइक दिस वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है एट एट दिस प्लेस ये दोनों सेम हो जाते लगभग ओके सो दिस इज अ प्लॉट फॉर द केस ऑफ प्लॉट फॉर द केस ऑफ फोटोन करंट आई फोटोन आई फोटोन और सोलर करंट इसको हम क्या बोल सकते हैं सोलर करंट भी बोल सकते हैं ओके इट इज आई फोटोन और सोलर करंट ओके ये हमारे पास आई फोटोन और सोलर करंट है ये हमारे पास ओके यू नो दिस करंट डो नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज ओके दिस करंट डो नॉट जो सोलर करंट है हमारे पास वो कोई भी एक्सटर्नल में उसको बाइसिंग वोल्टेज की रिक्वायर्ड नहीं है ओके उसको एक्सटर्नल से हम कोई भी बाइसिंग वोल्टेज की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है ओके उसको बाइसिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको हम नाम जो है वो आई एल ई रखते हैं ओके इसका नाम जो है आई एल ई रखते हैं जैसे कि पहले रखा था इसको एक्सटर्नल से कोई भी बाइसिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि इस ग्राफ से दिख भी रहा है ओके इस ग्राफ से दिख भी रहा है यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है ओके <clears throat> तो अभी देखिए यहाँ से जो टोटल करंट होगा जैसे मैंने बताया कि ये दोनों करंट जो है ये वाले रीजन वाले ये वाले रीजन वाले ओके ये तो इस इस जो इस 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 प्लेस पे तो हम वर्क कर ही नहीं रहे ओके आई एम जस्ट शोइंग दिस दिस साइड बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस वे ओके यहाँ पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं हमारे पास ये वाला करेक्ट्रिस्टिक्स और ये वाला करेक्ट्रिस्टिक्स यही मेनली एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर ओके okay. तो जो टोटल करंट होगा आई वो इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस होगा ओके okay. जो टोटल करंट आई जो होगा वो हमारे पास इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस होगा तो लेट मी राइट आई इक्वल टू आई डी माइनस है आई एल जो कि फोटोन करंट है आई एल यहाँ पर क्या है हमारे पास सोलर सेल करंट और फोटोन करंट फोटोन करंट ओके okay, और सोलर सेल करंट ओके आईडी जो है वो डायोड का करंट है इन द फॉरवर्ड बायस केस ओके सो हमारे पास क्या है अब जो डा, डायोड का जो करंट है वो हमारे पास सभी को पता है वो किसके इक्वल टू होता है इट इज इक्वल टू द सैचुरेटेड करंट ऑफ द डायोड ओके इट इज इक्वल टू द सैचुरेटेड करंट ऑफ द डायोड इन टू ई की पावर वी डी जो कि यहाँ पर वी डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द डायोड यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है टर्मिनल वोल्टेज ओके यहाँ पर हमने अब क्या क्या यहाँ पर क्या मिला है वीडी की जगह पर क्या मिला है टर्मिनल वोल्टेज वी एल अपॉन है नीटा वी टी माइनस है वन ओके ये हमारे पास रहता है डायरेक्ट का करंट इक्वेशन ओके सो माइनस माइनस हमारे पास क्या है जो फोटोन करंट है ओके जो हमारे पास क्या है फोटोन करंट है ओके सो ये हमारे पास टोटल करंट का फॉर्मूला आया आई का ओके सो यहां पर सुनिए प्लीज एवरी वन लिसन मी ना फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स ओके ये जो हमारे पास जो करंट की इक्वेशंस है यू नो वेरी वेल वट इज दिस आई एस इज ओके हम इस आई एस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना जब हम टोटल करंट हमने पढ़ा था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ओके तो व्हाट इज दिस आईएस आईएस का वैल्यू जो हमारे पास क्या होता है यू नो वेरी वेल ए क्यू क्यू एन आई स्क्वेयर ओके डी पी बाय एल पी इंटू वन बाय एन डी प्लस डी एन बाय एल एन इंटू वन बाय एन एन ओके यू नो वट क्वान्टिटीज दीज आर इज़ द एरिया ऑफ द जंक्शन स्मॉल क्यू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ओके स्मॉल क्यू इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ओके एन आई स्क्वेयर इज द इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन उसका स्क्वेयर होगा ओके और हमारे पास डी इज अ डिफ्यूजन कॉन्सटेंट ओके डी पी जो है हमारे पास क्या है डिफ्यूजन कॉन्सटेंट ऑफ होल्स एल पी इज अ डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द होल्स ओके एंड एंड इज द डोनर एंड कंसनट्रेशन एंड दिस डी पी इज अ डिफ्यूजन कॉन्सटेंट ऑफ द होल्स इन द पी साइड इज डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द होल्स इन द सॉरी एन साइड ओके ये भी डिफ्यूजन कॉन्सटेंट ऑफ द होल्स है इन एन साइड दिस इज डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द होल्स इन द एन साइड दिस इज डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पी साइड दिस इज डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पी साइड एंड दिस इज डिफ्यूजन कॉन्सटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पी साइड एंड एन इज द अप्टर एंड कंसंट्रेशन इन द पी साइड ओके ये हमारे पास होता है सभी को मालूम है एंड नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन वी कैन फाइंड द ओके मैं आपको यहां पर फोटोन करंट का वैल्यू लिख देता हूं ओके जो फोटो एन करंट का वैल्यू होता है वो आपको थोड़ी देर में लिख दूंगा यहाँ पर कि क्या आएगा नाउ फ्रॉम दिस दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द ओपन सर्क्यूट वोल्टेज और द शॉर्ट सर्क्यूट करंट एंड द शॉर्ट सर्क्यूट करंट ऑफ द सोलर सेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है जो हमारे पास मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ओके लिसन वेरी केयरफुली दिस इज नथिंग बट वी एल ओनली ओके ये हमारे पास वी एल है दिस पॉइंट पे ये बल एक्सिस पे हमारे पास करंट क्या है जीरो है ओके okay? दैट मीन दिस इज नथिंग बट दिस पॉइंट रिप्रजेंट द ओपन सर्किट वोल्टेज ओके यहाँ पर करंट जीरो होगा वहीं पर ओपन सर्किट वोल्टेज होगा और यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सेस वाई एक्सेस पे वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या रहेगा ओके दिस वी एल इज टर्मिनल वोल्टेज और लोड वोल्टेज ओके टर्मिनल और लोड वोल्टेज टर्मिनल और लोड वोल्टेज ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्या है तो इस केस पर वी का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा तो यहाँ पर जो करंट होगा जो वोल्टेज जीरो है तो करंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे तो लेट वी फाइन विद द फर्स्ट शॉर्ट सर्किट करंट फॉर द शॉर्ट सर्किट करंट वी हैव टू पुट द वी एल इक्वल टू जीरो ओके फॉर द शॉर्ट सर्किट टू फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट वी नीड टू पुट द वी एल इक्वल टू जीरो ओके सो इस इक्वेशन में हम वी का वैल्यू ओके सो इफ वी फाइंड शॉर्ट सर्क्यूट करंट ओके तो इन दिस इक्वेशन में हमें आई का वैल्यू जो है आई की आई की वैल्यू वाली इक्वेशन में हमें जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको क्या पुट करना पड़ेगा जीरो तभी हमारे पास शॉर्ट सर्क्यूट करंट आएगा ओके okay. तभी हमारे पास क्या आएगा शॉर्ट सर्क्यूट करंट आएगा तो so यहां पर मैं पुट कर देता हूँ ओके okay. यहाँ पर अगर मैं वी का वैल्यू पुट करूँगा जीरो तो ई के पास जीरो क्या होगा वन हो जाएगा ओके तो वट यू विल गेट आई एस वन ओके माइनस आई एल ओके माइनस आई एल और आई का वैल्यू क्या है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल टू ओके बिकॉज वी एल हमने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल टू है शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल टू है ओके okay, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा ओके ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास यो जो हमारे पास शॉर्ट सर्क्यूट करंट है वो अप्रोक्सीमेटली ओके okay, जो डायोड का शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारे पास किसके इक्वल टू आएगा वो आएगा दिस फोर्टॉन करंट के इक्वल टू ओके शॉर्ट सर्किट करंट होगा डायोड का ओके okay. वो किसके इक्वल टू आएगा फोर्टॉन करंट के इक्वल टू ओके आई नीड द आई नीड द आई नीड द ओनली magnitude हेयर तो आई एम नॉट टेकिंग द नेगेटिव साइन हेयर ओके आई एम not आई एम नॉट टेकिंग द नेगेटिव साइन हेयर यहाँ पर मैंने जो है नेगेटिव साइन को नहीं ले रहा हूँ ओके सो so, जो हमारे पास जो फोटोन करंट होता है ओके okay, जो फोटोन करंट होता है हमारे पास वो हमारे पास हम किससे निकालते हैं वो निकालते हैं ऑप्टिकल जनरेशन रेट से ओके okay. जो फोटोन करंट जो होता है हमारे पास आई आई एल ओके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑप्टिकल जनरेशन रेट ऑप्टिकल जनरेशन रेट ओके जनरेशन रेट ऑप्टिकल जनरेशन रेट ओके ऑप्टिकल जनरेशन रेट मीन्स जिस जब लाइट हमारे पास सोलर सेल के ऊपर गिर रहा है उसके बेस पे कितने नंबर ऑफ चार्ज करिए जो है वो जनरेट हो रहे हैं पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पास क्या होगा ऑप्टिकल जनरेशन रेट होगा ओके okay, इसको जनरली हम किससे शो कर देते हैं कैपिटल जी से शो कर देते हैं है, और समटाइम ऑप्टिकल लिखने के लिए साथ में ओ पी टी लिखते जाते हैं ओके ऑप्टिकल जनरेशन रेट जो है वो डिफाइन होता है पर यूनिट सेकेंड ओके एंड पर यूनिट वॉल्यूम ओके पर यूनिट सेकेंड इंटू पर यूनिट वॉल्यूम ओके पर यूनिट वॉल्यूम ओके ये हमारे पास ऑप्टिकल जनरेशन रेट होता है ओके okay, और टोटल लोड करंट को वी कैन फाइंड दैट दिस लोड करंट आल्सो ओके वी कैन फाइंड दिस लोड करंट आल्सो मीन्स की फोटोन करंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं दिस इज इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एरिया ऑफ द सरफेस

और हमने देखा शॉर्ट करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट है ओके okay, जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो इसी के इक्वल टू है ओके तो, okay, तो शॉर्ट सर्किट करंट का इक्वेशन कभी का यही होगा यहां पर हमारे पास एल जो है वो डिफ्यूजन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एल पी द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स है ओके okay, तो बट फॉर द केस ऑफ इन द केस जनरली वी फैब्रिकेट सोलर सेल बाय कंसीडरिंग बाय कंसीडरिंग पी साइड हाई डॉपिंग कंसंट्रेशन ओके एंड एंड साइड विद द मॉडेड डॉपिंग कंसेंट्रेशन डे ड्यू टू दैट पी साइड में हमारे पास कम डिप्रेशन विट्थ होगा और यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ डिप्रेशन विट्थ होगा देन वी विल कनेक्ट दिस विद द लो टर्म लोड रजिस्टेंस और लोड जो भी हमारे पास होगा पर्टिकुलर जो चीज़ होगा यहाँ से आई एल आएगा उसकी वजह से यहाँ पर वी एल जनरेट होगा बाकी जो सब चीज़ें सेम है ओके ओनली वट वी आर डूइंग वी आर मेकिंग पी साइड हाई डोपिंग कंसनट्रेशन पी साइड हाई डोपिंग कंसनट्रेशन कंपेयर टू द एन साइड एन साइड जो है यहाँ पर लाइटली डोप होगा एन माइनस साइड होगा ओके सो हमारे पास इस केस में जो इस केस में जो हमारे पास जो जनरेशन मीन्स की फोटोन करंट होगा आई एल वो क्या होगा ए क्यू ऑप्टिकल जनरेशन रेट मल्टीप्लाई विद द ओनली डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द होल्स आप ले कर सकते हैं फोर्थ दिस केस ओके जनरली दे विल प्रोवाइड दिस केस टू यू यू गाइस इन द एग्ज़ाम बिकॉज ये हमारे पास प्रैक्टिकल केस है ये हमारे पास क्या है प्रैक्टिकल केस है एग्ज़ाम में ओके okay? तो आपको जनरली यही केस दिया जाएगा एग्जाम में ओके सो यू कैन यू कैन रिमाइंड बोथ ऑफ द फॉर्मुला ओके आप दोनों ही फॉर्मुला याद कर सकते हैं दोनों ही केस में यहाँ पर हमारे पास होल कंसनट्रेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन कंसन्ट्रेशन दैट्स वाई वी विल निगलेक्ट द अदर वैल्यूज ओके दैट्स वाई वी निग्लेक्ट द अदर वैल्यूज दैट वी हैव रिटर्न इन द लास्ट इक्वेशन ओके सो नाओ नाव वी नो जो शॉर्ट सर्किट करेंट था वो इसी के इक्वल टू था ओके वी रिक्वायर द ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट ओके okay, वो इसी के इक्वल टू था ओके सो इसलिए शॉर्ट सर्क्यूट करंट भी हमारे पास यही रहेगा ए क्यू ऑप्टिकल जनरेशन रेट इन टू द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द हाउस ओके ये किस केस में है वेन वी हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन पी साइड इज हाइडली डॉप एंड साइड इज मॉडलेट डॉप अदरवाइज अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है पी एन स्ट्रेट फॉरवर्ड पी एन दे रखा है okay it is not written key that p side is highly open and, and side is low, lightly loop then you can use this formula also okay in this case this is the short circuit current okay Us case mein paas paas kya hoga? short circuit current hoga okay now we need to find the we need to find the open circuit voltage of the we need to find the open circuit voltage of the solar cell जो अभी जो है वो हमें ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो हमारे पास सोलर सेल का अब देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल कब एग्जिस्ट करेगा जब तो आई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा क्योंकि इस पॉइंट पे आई का वैल्यू क्या है जीरो है ना ओके आई इज एग्जिस्टिंग इन द वाई एक्सेस एंड दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द एक्स एक्सेज दैट्स वाई वी हैव टू मेक हेयर आई इक्वल टू जीरो ओके यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा आई का वैल्यू जीरो बनाना पड़ेगा जो इक्वेशन लिखा है टू फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज ओके मेक टू वी पुट द आई इक्वल टू जीरो एंड वी एल इक्वल टू ओपन सर्क्यूट वोल्टेज ओके तभी हमारे पास वहां पर आएगा इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन लेटमी राइट द फर्स्ट इक्वेशन ओके लेटमी राइट फर्स्ट इक्वेशन आई इक्वल टू आई एस ई की पावर वी एल बाई नीटा वी टी माइनस वन माइनस है दिस वट इज दिस दिस इज शॉर्ट सर्किट करण बट वट वी आर नॉट पुटिंग हेर ओके जस्ट गो विद द स्टैंडर्ड थिंग्स ओके बट नॉट जब हम यहाँ पर ये कंडीशन पुट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज के केस में वो नहीं रहेगा तब ओके वी ओ सी ओके दिस इज अक्वलेंट टू द शॉर्ट सर्किट कर आई एल इज अक्वलेंट टू द शॉर्ट सर्किट करली इट इज नॉट अ शॉर्ट सर्किट करट इज अ फोटो ऑन करंट ओके सो फॉर द वी ओ सी फॉर द ओपन सर्किट वोल्टेज वट यू वट यू हैव टू वट यू नीड टू डू दैट ओके वट यू नीड टू डू दैट वी हैव टू पुट आई इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू जीरो टू ओपन सर्किट वोल्टेज ओके जब वी एल का वैल्यू क्या होगा ओपन सर्किट वोल्टेज के इक्वल टू रहेगा तो यहां पर हम आई इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं ओके इक्वल टू आई एस जो सैचुरेटेड क्रंट ऑफ द डायड है ओके ई वी ओ सी बाके माइनस वन ओके माइनस वन माइनस आई एल ओके सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड दिस वी ओ सी वोल्टेज ऑल्सो ओके सो आई एल यहाँ पर जाएगा और वो वो आई एस इस इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब जा माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा तो यू विल गेट दिस इक्वल टू वी ओ सी बाय है नीटा वी टी नाउ टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड ओके वंस यू टेक द नेचुरल ऑक दिस साइड एंड दिस साइड this exponential side gone okay you know a natural log of exponential is one value okay this exponential side gone okay so take by taking log both side okay natural log both side what you will get what you will get okay what you will get natural log of il by is plus 1 okay plus 1 yahan open circuit voltage by an eta vt so from here you calculate open circuit voltage okay that is equal to nita vt natural log of natural log of this is natural log okay natural log of one plus liquid yes i'm just writing this in this way one plus il upon saturated this is not a short circuit current okay this is a saturated current of the diode okay please do not uh, make yourself uh, in confused case okay ओके okay, अपने आप को कन्फ्यूज केस में मत डालना ओके okay. यहाँ पर जो आई एस है वो हमारे पास क्या है वो शॉर्ट सर्किट करंट नहीं है आई एस इज अ सेचूरेटेड करंट ऑफ द डायोड आई एल इज अ फोटोन करंट ऑफ द डायोड ओके एंड आई एस इज द सैचुरेटेड करंट ऑफ द डायोड जिसको मैंने आपको बोला था जो फॉर्मूला हमने लिखा था ए क्यू एन आई स्क्वेयर ओके डी पी बाय एल पी ओके इंटू वन बाय एन डी प्लस डी एन बाय एल एन इंटू वन बाय एन ओके सो दिस इज द

ओके नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अभी मिलते हैं थैंक यू